आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब 1989 से लेकर 2004 तक, तो हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं, क्या हुआ इस समय, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? तो चलिए हम आपको बिल्कुल बताते हैं। तो भाई देखो, ऐसा है कि अभी तक हमने देख लिया कि राजीव गांधी सरकार मस्त सरकार 1989 में चली गई, मुश्किलें हुई, काफी कुछ हमने देखा। अब इसके बाद दोस्तों हम ये देखेंगे वीपी सिंह की एंट्री। देखिए बोफोर्स घोटाला हमने जाना था, ठीक है, पिछली बार उसमें वीपी सिंह उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे। वीपी सिंह का भाई कार्यकाल बहुत ही जबरदस्त रहा है, 25 जून 1931 8th प्राइम मिनिस्टर थे। तो वीपी सिंह उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे और वीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, और जब वीपी सिंह ने इस्तीफा दिया तो लोगों को लगा सच में घोटाला हुआ है, तभी तो ये जानते हैं। तो इन्होंने 1987 में इस्तीफा दिया और उसके बाद नेशनल फ्रंट बनाया। अब नेशनल फ्रंट क्या था, देखिए कांग्रेस, याद करिए कि 1989 में जब इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस को बहुमत नहीं थी, कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 197 सीटें मिली थी, ठीक है, 545 सीटों पे। अब जनता दल जो है, अब देखिए विश्व प्रताप सिंह की पार्टी थी जनता दल, बाद में जनता दल के बहुत अलग फैक्शन बने, जैसे अभी लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल है, तो बहुत सारी पार्टी से स्प्लिट हुई। वीपी सिंह 1987 में कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने बना ली अपनी जनता दल। अब ये जनता दल 143 सीटें जीत के आए, नहीं 143, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती 1989 में 197, जनता दल ने 143, लेकिन बेटा इन्होंने सारी की सारी पार्टीज को मिला के एक नेशनल फ्रंट बनाया। भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को उस समय 85 सीटें मिली, 2 सीटों से सीधा 85 सीटों पे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 33 सीटें मिली। तो इन सबको मिला के इन्होंने बनाया नेशनल फ्रंट पहली बार, मतलब प्रॉपर तरीके से कोलिशन पार्टीज की अगर बात करें तो हम ये देखते हैं कि एक नॉन कांग्रेस सरकार आई, इससे पहले जनता पार्टी आई थी। तो वीपी सिंह जो है वो बनते हैं 8वें प्रधानमंत्री 1989 से लेकर 1990 तक। देखिए गठजोड़ की राजनीति बड़ी खतरनाक होती है, जहां गठजोड़ की राजनीति होगी वो स्टेट कभी डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए उसमें फैसला आपका नहीं होता है, 10 लोग हैं, कलेक्टिव डिसीजन होता नहीं, सरकार नहीं गिरनी है। वीपी सिंह को भी पता था कि सरकार गिरेगी ही गिरेगी, 1989 से लेकर 1990 तक ही राष्ट्रपति, मतलब सॉरी प्राइम मिनिस्टर रहे, बहुत ही कम समय तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है। लेकिन भाई इन्होंने जब तक ये प्रधानमंत्री रहे भैया, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हो गई, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इन्होंने लागू कर दिया, ठीक है। आप इनके बारे में देख लीजिए, ही वाज एजुकेटेड एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, देन पुणे यूनिवर्सिटी, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रहे, देन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रहे राजीव गांधी की मिनिस्ट्री में, और 1988 में इन्होंने जनता दल बनाया, ठीक है, और इसमें बहुत सारे, मतलब फिर 1989 में नेशनल फ्रंट, भारतीय जनता पार्टी एंड एवरीवन, ठीक है, हर कोई इसमें था, लेकिन भाई सपोर्ट था बेसिकली। मंडल कमीशन रिपोर्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए, देखिए नेशनल फ्रंट ने ये बोला कि भाई हम 27% और रिजर्वेशन देंगे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। और इसी दौरान मंडल कमीशन राम रथ यात्रा और अयोध्या मूवमेंट, ये तीन चीजें इनके टेन्योर में हुई, समझ रहे हैं। तो मंडल की, अगर मंडल की राजनीति, पहले तो मंडल की ही बात यहां पे, जो रिकमेंडेशन थी मंडल की, ठीक है, पहले तो मुनि को ही देख लेते हैं। तो अब मंडल कमीशन ने क्या किया कि इसने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया, आप समझ रहे हो, इन्होंने अदर बैकवर्ड, अभी तक देखिए एससी एसटी को तो मिलता था 23%, लेकिन अब ओबीसी को भी 27% रिजर्वेशन मिलेगा। फिर ये इंदिरा स्वानी केस गया, अब इंदिरा स्वानी केस भाई इसके ऊपर केस हुआ, कोर्ट में मामला गया, और इंदिरा स्वानी केस एक लैंडमार्क केस है, क्योंकि कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन होगा ही नहीं। तो मंडल कमीशन यानी कि यहां पे राजनीति शुरू हो गई। फिर बहुत सारे ग्रुप्स ने बोला कि भाई हम तो खत्म हो जाएंगे, यहां पे आत्मदाह भी किया था ना वो लाम भुरिया लड़के का, उसने अपने आप को जला लिया था, और यहां बहुत ज्यादा राजनीति शुरू हो गई। मंडल कमीशन बहुत प्रोटेस्ट हुए अगेंस्ट दिस एक्ट, 62nd अमेंडमेंट एक्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब 1989 का एक्ट। इसी दौरान दोस्तों कश्मीर में बुरी हालत हो गई 1987 में, भाई कश्मीर में इलेक्शन हुए थे ना, मुस्लिम फ्रंट बना था, जितने भी मुस्लिम्स जो भी छोटी मोटी पार्टीज थी और जो भी कश्मीर की आजादी के लिए मांग कर रहे थे, उन्होंने बोला वो डेमोक्रेटिक तरीका अपनाएंगे। 1987 में मुस्लिम फ्रंट बना, लेकिन मुस्लिम फ्रंट हार गई, उनके एक भी सीट नहीं मिली, कांग्रेस जीती।
तो अब यहां पे मुस्लिम फ्रंट का ये कहना था कि भाई देखो इन्होंने इलेक्शन में गड़बड़ी किया कांग्रेस ने, क्योंकि हम जीत रहे थे हमको हरवा दिया, तो उन्होंने हथियार थाम लिए। 1987 से लेकर 1991 तक ये एक डार्क पीरियड कश्मीर के इतिहास में बोला जाता है। 1991 में फाइनली जगमोहन थे और उन्होंने फिर प्रेसिडेंट रूल लगाया, राष्ट्रपति शासन लगा, फिर उसके बाद सब कुछ मिलिट्री के हाथ में आया, तब जाके चीजें नॉर्मल हुई। लेकिन 1987 से लेकर 1991 तक होम मिनिस्टर उस समय थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, और इनकी बेटी रुबिका सईद को किडनैप कर लिया गया था। समझिए इतनी बुरी हालत कश्मीर बहुत, और इसी दौरान फिर कश्मीरी पंडितों को भी मार मार के भगाया गया, दिक्कत बहुत ज्यादा थी। तो वही चीज थी कि ये सपोर्ट तो वापस लेना ही था। अब इसके बाद एक तो मंडल कमीशन हो गया इनके इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद आया रथ यात्रा, अयोध्या रथ यात्रा 25 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर 1919, जो राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था ना, अब वो दिक्कत करने वाला था, क्योंकि यहां पे बीजेपी रथ यात्रा पे सवार होकर, हालांकि एक कार थी बहुत बड़ी थी, ठीक है, उसी को रथ का एक रूप दिया गया था, तो रथ यात्रा पे सवार होकर पूरा गुजरात से उन्होंने शुरू किया और एमपी यूपी होते हुए मतलब अयोध्या पहुंचना था। लालकृष्ण आडवाणी इसको लीड कर रहे थे, प्रमोद महाजन जो है वो इसमें मतलब बड़े बड़े लीडर्स, प्रमोद महाजन, लालकृष्ण आडवाणी, ये सब बड़े बड़े लीडर्स जो है ये लालकृष्ण आडवाणी के साथ सवार हो गए। तो यही हिसाब किताब था, और यात्रा ने काफी ज्यादा अनरेस्ट जो है वो क्रिएट किया। ये तो आप देख सकते हैं, ये वीपी सिंह का जो करियर है वो इसके बारे में लिखा हुआ है, ये आप आसानी से देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चलिए पहले हम रथ यात्रा की बात करते हैं। तो ये रथ यात्रा का पहले आप ये देखिए कि यहां से इसको पूरा गुजरात से शुरू हुआ सोमनाथ, और फिर ये देख सकते हैं ना कवर करते हुए इसको अयोध्या पहुंचना था 30 अक्टूबर तक, ठीक है, धनबादी पहुंचे थे लेकिन इसको अयोध्या पहुंचना था। लेकिन अल्टीमेटली अयोध्या तो यूपी में है, सॉरी मैं कहां मैंने लगा दिया, लेकिन अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि जब बिहार पहुंचे तो बिहार में लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार कर लिया था लालकृष्ण आडवाणी को, है ना। तो ये हिसाब किताब रहा। 23 अक्टूबर 1990 को आडवाणी को अरेस्ट कर लिया गया। जैसे ही आडवाणी को अरेस्ट किया, बीजेपी ने सपोर्ट खींच लिया और नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट 1990 को गिर गई। बस 8 नवंबर 1990 को नेशनल फ्रंट सरकार मतलब जो कॉन्फिडेंस होता वो नहीं जीत पाई और सरकार पूरी तरीके से गिर गई। 142 खाली वोट पड़े थे और 346 मतलब 346 के बदले 142 वोट मिले थे, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आया लोकसभा में खत्म हो गया। लेकिन वीपी सिंह ने बोला कि देखिए हमने हाई मॉरल ग्राउंड अख्तियार किया है, ये उन्होंने बयान दिया बकायदा कि देखिए आप इतना बवाल हो रहा था ना, हमने तो देखिए रथ यात्रा को कोशिश की रोकने की, हम कानून के हिसाब से चलेंगे, वी आर वेरी सेक्युलर, तो हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं होने दिया, हमने तो लालकृष्ण आडवाणी को भी गिरफ्तार करवा दिया। तो ये राम जन्मभूमि विवाद जो है वो बहुत ज्यादा हुआ, टूर कंप्लीट नहीं कर पाए और लालू प्रसाद यादव के ऑर्डर्स पे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को पता था कि भाई कम्युनल क्लैशेस हो जाएंगे और कम्युनल क्लैशेस अब दोस्तों हो भी रहे थे। 30 अक्टूबर 1990 को सारे कार सेवक जो है वो अयोध्या में पहुंच गए थे और मुलायम सिंह यादव ने फिर ये ऑर्डर दिया था ना कि पुलिस को ये ऑर्डर दिया था कि गोली चला दो, तो कितने कार सेवक उसमें मारे भी गए थे। और 2 नवंबर कुछ ही दिन बाद मतलब 2 दिन बाद 2 नवंबर को भयंकर दंगे होते हैं, तो इसीलिए बीजेपी ने नेशनल फ्रंट से सपोर्ट खींच लिया और जो नो कॉन्फिडेंस वोट आया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, उसमें हार गई। ओके, तो अब आएंगे चंद्रशेखर। फिलहाल ये आप 62nd अमेंडमेंट ऑफ 1989 एंड SC/ST एक्ट आप देख सकते हैं। तो इन्होंने SC/ST एक्ट 1989 कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स के खिलाफ जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो दिक्कतें होती हैं, जो एट्रोसिटीज होती है, उसको कम किया जा सके। एग्जिस्टिंग लॉ इसमें कुछ चीजों को इसमें बदला गया, ठीक है, तो ये दिक्कतें थी। अब इसके बाद दोस्तों राम टेम्पल, फिर मंडल कमीशन, देन वीपी सिंह के बाद कौन, वीपी सिंह, देखिए 1991 में होने वाले थे चुनाव, लेकिन वीपी सिंह के बाद आए भाई एस चंद्रशेखर। वीपी सिंह के बाद आते हैं चंद्रशेखर, चंद्रशेखर के बारे में नहीं लिखा, चलिए आप लिख लीजिएगा, 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक। देखिए चंद्रशेखर कभी मंत्री नहीं बने, एक बहुत ही कद्दावर नेता थे, लेकिन जब भी बने सीधा प्रधानमंत्री ही बने, इतना जबरदस्त। चंद्रशेखर भाई जब जनता पार्टी आई थी
बहुत ही ईमानदार नेता और बहुत ही शानदार नेता। जब जनता पार्टी आई थी पावर में तो जयप्रकाश नारायणन चाहते थे कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस में यंग टर्क्स के नाम से इनको जाना जाता था ना भाई, इंदिरा गांधी के सामने इंदिरा गांधी की बोलती बंद कर दी थी चंद्रशेखर ने। बहुत जबरदस्त युवा नेता, क्या मतलब गजब की एनर्जी रहती थी, लेकिन चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। तो अब यही चीज है कि इधर वीपी सिंह की सरकार बनी और वीपी सिंह और चंद्रशेखर की कुछ खास बनती भी नहीं थी, तो वीपी सिंह की सरकार बनी फिर गिर गई। चंद्रशेखर ने तुरंत इस मूवमेंट को सीज किया और अपने 64 एमपीज के साथ जनता दल को छोड़ दिया और उसके बाद इन्होंने समाजवादी जनता पार्टी बना दी, या जिसको जनता दल सोशलिस्ट बोला जाता है। इसी दौरान भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई 1991 में, इधर गल्फ वॉर 1990 में शुरू हो गया था, इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया, तेल के दाम बहुत ऊपर चले गए और हमारे पास खाली 7 दिन का पैसा बचा था, भंडार खत्म होता जा रहा था, बहुत दिक्कत। राजीव गांधी को असासिनेट किया गया भाई, इलेक्शन होने वाले थे मई 1991, ये राजीव गांधी को असासिनेट भाई तमिलनाडु में किया गया था रैली, इनके बारे में मैंने पूरा लेक्चर लिया कि कैसे असासिनेट किया गया था। तो हुआ यही था कि राजीव गांधी एक रैली करने जा रहे थे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि श्रीलंका में जब सिविल वॉर हो रहा था तो ITKF इन्होंने 1987 में भेज दी थी श्रीलंका, लेकिन 1989 में जब सरकार चली गई थी तो वापस सेना को वापस बुला लिया था। अब श्रीलंका को वहां पे लिट्टे को ये पता था कि अगर राजीव गांधी की सरकार आई 1991 में, कांग्रेस जीती तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो फिर ये श्रीलंका के खिलाफ कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। तो उस समय थेनमोजी राजनत्तम, जिनको धनु बोला जाता था, वो पूरा बॉम्ब बांध के गई और राजीव गांधी की तरह कोई ऐसा, राजीव गांधी सबसे ऐसे ही मिल लेते थे। और फिर जैसे ही ये हुआ 21 मई 1991 को बम छोड़ा दिया और राजीव गांधी की हो गई हत्या, 16 और लोग मारे गए थे, 43 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, बहुत दिक्कत हुई थी। तो यहाँ पे राजीव गांधी का असैसिनेशन भी हुआ और भारत की इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत दिक्कत। अब उस समय देखिए, मनमोहन सिंह जो थे वो एडवाइजर थे चंद्रशेखर के, फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो भाई पैसा तो चाहिए ना। तो यहाँ पे जो RBI के गवर्नर थे वेंकट रमन, उसे ये बोला गया कि आप बताइए कि क्या हम अपना सोना गिरवी रख सकते हैं। मनमोहन सिंह ने एडवाइस किया कि भारत में जो सोना है वो आप बैंकों में गिरवी रख दो और वहां से पैसा उठा लो। तो जो बाहर के बैंक है, स्विट्जरलैंड बैंक और काफी सारे बैंक जो हैं, फिर हमारा सोना वहां पे गिरवी रखा गया और उधर से पैसा आया। लेकिन ये लोगों को बताया नहीं, क्योंकि लोगों को अगर बताते तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती, ये हिसाब किताब था। ठीक है, तो यहां पे हम ये देखते हैं कि अल्टीमेटली चंद्रशेखर के रिफॉर्म बहुत बढ़िया थे, लेकिन वही चीज है कि फिर सपोर्ट खींच लिया गया और चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। सबको पता था यही होगा। फाइनली 1991 में इलेक्शंस होते हैं। 1991 में जब इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस को इस बार 244 सीटें मिली, बहुमत नहीं था लेकिन कांग्रेस को 244 सीटें, और बीजेपी 85 से 120 सीट पे आ गई। जनता दल को 69 सीटें मिली, कम्युनिस्ट पार्टी को 35 सीटें मिली। तो अगेन फिर से गठजोड़ करके हमें देखते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आई जून 1991 से लेकर मई 1996। ये पहले गैर कांग्रेसी, मतलब इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री बनते थे अगर कांग्रेस की सरकार आती थी तो वो गांधी परिवार से बनते थे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव पहले ऐसे थे जो कि कांग्रेस तो जीती लेकिन ये गांधी परिवार से नहीं थे। ही वॉज दी फर्स्ट वन। और पीवी नरसिम्हा राव का भाई शानदार करियर था, हाफ लाइन इनकी किताब पढ़िएगा, मैंने इनकी बायोग्राफी रिव्यू किया, बहुत ही बेहतरीन। और पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आए थे। बहुत LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पीवी नरसिम्हा राव ने ही किया था। इन्हीं के दौरान बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, दंगे हुए, बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया ना, हमारी रुपए की वैल्यू गिराई गई लेकिन हमारी इकोनॉमी खोल दी गई पूरी तरीके से। 7 दिन का खाली पैसा बचा था हमारे पास। तो ये हिसाब किताब है। मंडल कमीशन के बारे में आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे एक चीज देखिए, ये चलिए कोई बात नहीं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं यार। ये बहुत ही हफजाद तरीके से बनाया गया है। चलो मैं अपने कंटेंट राइटर को बोलूंगा कि थोड़ा सा उसको अरेंज कर दो सही तरीके से। फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए आप, या तो सुन लीजिए। अयोध्या डिस्प्यूट अब बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। बीजेपी यूपी, देखिए
केंद्र में तो भले ही बीजेपी को 1991 में 120 सीटें मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत के आई। 425 में से 221 सीटें यूपी ने जीत ली, ये हिसाब किताब। चीफ मिनिस्टर बना के कल्याण सिंह। अब यहां पे हुआ क्या कि बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक ने बाबरी मस्जिद ढा दी। अब जब ये ढा दी तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने बीजेपी सरकारों को यूपी से नहीं बल्कि जहां पे भी थी हटा दिया था, सस्पेंड कर दिया था लॉ एंड ऑर्डर के इशू को देखते हुए। तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, ठीक है। तो अब इस पे भी मैंने एक सेपरेट लेक्चर किया है, आप देखिएगा। और फिर हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमने अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो खोल दी, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते, आईएमएफ की कंडीशन थी, क्योंकि अभी तक हम क्लोज इकोनॉमी थे। दिक्कत कश्मीर में भी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर इसी दौरान हर्षद मेहता केस होता है। हर्षद मेहता केस अभी एक सीरीज आई थी ना, देखा कि नहीं आपने, स्कैम बहुत ही शानदार। तो हर्षद मेहता केस जब हुआ तो भाई अब आपको पता ही है कि हर्षद मेहता, अभी तो जैसे सब कुछ ऑनलाइन होता है सिक्योरिटीज का, लेकिन उस समय बैंक सिक्योरिटी जो है ना वो एजेंट को दी जाती थी। तो हर्षद मेहता कैसे एजेंट था कि स्टॉक ब्रोकर था, अब वो एक बैंक की सिक्योरिटी दूसरे को बेचता था। तो यहीं पे ऐसे उसने एक सीरीज ऑफ चेन शुरू कर दी। भाई होता क्या ना कि बैंकों को तो पैसा चाहिए, आपने सिक्योरिटी दिया पैसा दो, तो ये पैसा लाता कहां से था। जैसे मान लीजिए कि मुझे मुझे किसी को पैसा देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे से उधार लेकर उसको पैसा दे दूंगा, फिर उसका तो उधार तो मेरे पास हो गया, तो किसी और से उधार लेके उसको दे दूंगा। तो ऐसे करते 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 हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। और हर्षद मेहता का केस लड़ा था उस समय राम जेठमलानी ने, और उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि पीवी नरसिम्हा राव ने भी 1 करोड़ की 2 करोड़, मतलब करोड़ों रुपए नोटों से भरा हुआ बैग हमने पीवी नरसिम्हा राव को दिया, तो करप्शन चार्जेस लगे पीवी नरसिम्हा राव। हालांकि ये करप्शन चार्जेस होते, जब ये कोर्ट में मामला पहुंचा तो कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, मांगे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हमने अपनी इकोनॉमी जो है वो खोली। नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो हमारे दरवाजे पे खड़ी थी। डेवलपमेंट किया हमने काफी ज्यादा, प्राइवेट सेक्टर FDI आया, प्राइवेट सेक्टर को खोला हमने, दूसरे देशों से हमने संबंध बनाए, एक तरीके से हमने अपनी इकोनॉमी पूरी तरीके से खोली। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए, सेबी बनाया गया, बैंकों को रिफॉर्म किया गया है ना, और बैंकों को और ज्यादा स्वायत्तता और ताकत दी गई। इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस बढ़ाने के लिए हम सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स लेके आए, ताकि भारतीय इकोनॉमी जो है वो एकदम ऊपर ही जाए, नीचे ना जाए, ठीक है। देन उसके बाद स्टेबलाइजिंग मेजर की जो भी वीकनेस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा, एक्सपोर्ट बहुत कम है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उसको जो भी हमको करना पड़ेगा वो हम करेंगे। तो इसीलिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये चीज है कि हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई। लिबरल मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। प्राइवेट हो गई, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर लाइसेंस राज खत्म कर दिया और ग्लोबल वर्ल्ड से हम जुड़ गए, ठीक है। तो ये चीज थी। तो लिबरलाइजेशन का एम यही था कि उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है, ठीक है, इनको हटाया जाए। और उसके बाद वही है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को यहाँ पे ज्यादा अब आने की अनुमति दी जाए, प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो है वो भी काम करे, तरीके से प्राइवेटाइजेशन। अब ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए कि पहले तो कंपटीशन बनाया जाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में कंपटीशन होगा तो इंडस्ट्री ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी, इसी दौरान बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी आई, प्रोड्यूस करेंगी कम दामों पे, तो लोगों को भी फायदा होगा और प्रोडक्शन भी होगा, जीडीपी बढ़ेगी। फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी क्योंकि लिबरलाइज, पूरी दुनिया FDI आ सकता है, फॉरेन ट्रेड आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कर्ज को घटाना, ग्लोबल मार्केट को एक्सपैंड करना और फॉरेन ट्रेड अदर कंट्रीज के साथ बढ़ाना। प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो वही चीज है कि डिसइन्वेस्टमेंट करो, अभी सब कुछ 100% इसके सरकार के पास है, तो सरकारी जो कंपनीज है वो थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट करें, हर जगह से सरकार अपनी ओनरशिप हटाए, हर जगह ना टांग बढ़ाए अपनी। जैसे बैंक में भी काफी प्राइवेट बैंक आए, ICICI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, है कि नहीं, तो सरकारी कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट हो, है ना। तो इसमें तो सबसे पहले तो वही स्ट्रैटेजिक सेल जो है, डी नेशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक सेल, 100% गवर्नमेंट की ओनरशिप जो है प्रोडक्टिव एसेट्स पे, दैट मस्ट बी ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर, 100% भी और कभी कुछ पार्ट भी। पार्शियल प्राइवेटाइजेशन होता है कि कुछ पार्ट 50% या उससे कम जो है वो हम प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हैं। देन डेफिसिट या टोकन प्राइवेटाइजेशन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि सबसे पहले तो फाइनेंशियल सिचुएशन सरकार की इंप्रूव करना, जो वर्कलोड है पब्लिक सेक्टर कंपनीज का उसको घटाना, फंड्स आए, डिसइन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा आएगा ना। जैसे अभी देखा आपने मोदी सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट, उन्होंने 1 लाख 1.5 लाख
करोड़ के करीब जिस इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा था, लेकिन 78,000 करोड़ पे अब वो आ गया है। क्योंकि देखिए, आप सरकारी कंपनी तो बेच रहे हैं, लेकिन खरीदेगा कौन? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। फिर उसके बाद सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी इंक्रीज करना, हेल्दी कंपटीशन बढ़ाना, एफडीआई बढ़ाना और बेटर और इम्प्रूव गुड्स सब कंज्यूमर्स को देना। देन ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया से तुम जुड़ जाओ, फॉरेन ट्रेड, प्राइवेट, मतलब एक देश से अब दूसरा देश कनेक्ट हो गया। अमेरिका से भारत भी कनेक्ट होगा, अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम होगी तो भारत, अब कैसे अमेरिका इन्वेस्ट करेगा, भारत भी इन्वेस्ट करेगा, दोनों के बीच में आपसी संबंध बहुत अच्छे होंगे, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होगी, ठीक है, कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड जो है वो बनाया जाए। तो इसमें वही चीज है कि आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग आप समझते हो ना, कि जैसे मेरी कंपनी है, अब मुझे कोई कुछ चाहिए, मतलब जैसे मान लीजिए मुझे ऐप बनाना हो, तो मैंने आउटसोर्स कर दिया कि भाई देखो मैं नहीं, तुम मेरी जगह पे ऐप बनाओ, बदले में मैं तुमको पैसा दे दूंगा। तो ये आउटसोर्सिंग मॉडल होता है। हमने अपना आईटी हब बनाया, हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में दी, ये चीज है। और आउटसोर्सिंग का मतलब यही है कि जो काम यहाँ पे बहुत महंगा होगा, वो काम बाहर के लोग काफी सस्ता कर देंगे, चाहे वो लीगल एडवाइज हो, टेक्निकल सपोर्ट, एनीथिंग। तो आईटी सेक्टर हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत सारे जैसे कॉल सेंटर आउटसोर्सिंग, और बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो आउटसोर्स करती हैं, और अभी तो लगभग बड़े बड़े बिजनेस मॉडल इसी पे ही चल रहे हैं, ठीक है। एमएनसीज भारत में आई, बाबरी मस्जिद, वही है बाबरी मस्जिद जो है, बाबरी मस्जिद का इशू जो है, बाबर ने इसको, मुगल एम्परर बाबर ने बनाया था, लेकिन ये बोला जाता है कि यहाँ पर राम मंदिर था, और 6 दिसंबर 1992 में इसको डिमोलिश कर दिया गया, आप समझ रहे हो। और जब इसको डिमोलिश किया गया, तो जैसा कि मैंने बताया कि सरकारें जो है वो बर्खास्त हो गई, और ये जो मामला था ना, ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा था, ये आजादी के समय से चल रहा था। 1949 में यहाँ पे भगवान राम की मूर्ति जो है वो पाई गई थी, कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे रख दी गई थी या पाई गई थी, ठीक है। 2010 में हाईकोर्ट का ये फैसला आया कि बिल्कुल जो मस्जिद है, दैट इज बिल्ड टू बी राम बर्थ प्लेस, ये भगवान राम की बर्थ साइट है, लेकिन राम टेम्पल के साथ ये, मतलब इस पूरे के पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया। लेकिन 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने लोअर जो कोर्ट था उसके जजमेंट को खारिज किया, और बोला कि भाई जो पूरा का पूरा इंटायर साइट 2.77 एकर लैंड, ये एक हिंदू टेम्पल था, राम मंदिर था, और उस पर राम मंदिर ही बनना चाहिए, और अब राम मंदिर बनना इस पर शुरू हो गया। तो इस पर मैंने बहुत सारे लेक्चर लिए हैं, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें, ये सब मैं बता चुका हूँ, ये खाली मैंने कंटेंट के लिए ये सब कुछ यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अभी हमने पढ़ लिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई देखते ही देखते 1996 आ गया, 1996 आ गया, और 1996 के जनरल इलेक्शन होते हैं। अब 1996 के जब इलेक्शन हुए भाई, अगेन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किसी भी पार्टी को बहुमत मिली ही नहीं, आप समझ रहे हो। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को खाली 140 सीटें मिली, 140, बीजेपी को लेकिन इस बार 161 सीटें मिली, यानी कि बीजेपी बहुमत नहीं, मतलब बीजेपी मेजोरिटी, नेशनल फ्रंट को 79, लेफ्ट फ्रंट को 52। तो उसके बाद भाई अब किसी को यहाँ पे बहुमत नहीं मिली, क्या कर सकते हैं। तो अब वही चीज है कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन दिए, मतलब एक महीना दिया गया कि अपनी बहुमत साबित कर दो, लेकिन वही चीज है कि वो 13 दिन में अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाए। तो अटल बिहारी का वो जो बहुत ही शानदार भाषण है 1.5 घंटे का लोकसभा में, आप जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो वो जो उनकी सरकार है वो गिर गई, यूनाइटेड फ्रंट जो है सपोर्ट दिया था लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब उसके बाद फिर वही चीज है कि 13 दिन तक ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, 161 सीटें भले ही बीजेपी को मिली लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। तो अब खेल शुरू होगा, 1996 से लेकर 1998 तक 3 प्रधानमंत्री आए और गए, इसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले। अब उसके बाद HD देवेगौड़ा, जो कि अगेन कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे, बाद में जनता दल इन्होंने बनाया। तो भाई अब इनको सपोर्ट दिया था कांग्रेस ने, बाहर से कांग्रेस सबको सपोर्ट दे रही थी क्योंकि कांग्रेस के पास 140 सीटें थी ना। तो यूनाइटेड फ्रंट का कोलिशन बना अगेन। अब इस समय भी वीपी सिंह को ऑफर दिया गया था, लेकिन वीपी सिंह बलि का बकरा नहीं बनना चाहते थे। ज्योति बसु, जो कि काफी समय तक 1970 से लेकर पूरा 1998 तक वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे थे, ज्योति बसु लगभग प्रधानमंत्री बनी जाते, लेकिन उनकी पार्टी कम्युनिस्ट जो है वो राजी नहीं थे। तो HD देवेगौड़ा को जनता दल का, मतलब वो जनता दल से थे, और इनको जो है वो प्रधानमंत्री बनाया गया है ना। तो 11th प्राइम मिनिस्टर बने HD देवेगौड़ा, लेकिन दोस्तों इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फिर हम ये देखते हैं कि इन्होंने सपोर्ट खींच लिया, फिर से पूरा का पूरा जो है वो सपोर्ट खींच लिया गया।
अब उसके बाद 1997 में इंदर कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया। रात के 2 बजे इंदर कुमार गुजराल को उठाया गया था नीचे कि चलो भैया तुमको प्रधानमंत्री की शपथ लेनी है। तो अब 1998 में फिर से इलेक्शन होते हैं। अच्छा एक और चीज बता दूं कि आईके गुजराल ये जो 1997 में हुआ था इसमें जैन ये सपोर्ट क्यों खींचा गया था मैं आपको बताता हूँ। जैन कमीशन रिपोर्ट, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यूनाइटेड फ्रंट था और इंडियन नेशनल कांग्रेस बाहर से सपोर्ट दे रही थी। तो जैन कमीशन रिपोर्ट में यह था कि राजीव गांधी की जो हत्या हुई उसमें कुछ डीएमके के लीडर शामिल हैं। तो जब ये पता चला कि वो डीएमके के लीडर शामिल हैं तो यहाँ पे कांग्रेस ने बोला कि डीएमके मिनिस्टर्स को हटाओ, यूनाइटेड फ्रंट ने बोला नहीं हटाएंगे। और जब नहीं हटाया तो अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट को खींच लिया और जब सपोर्ट को खींचा तो फिर से हमें देखते हैं कि इलेक्शंस होते हैं। और अगेन जैसा कि मैंने बताया 1998 में 182 सीटें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मिली और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 141 सीटें मिली। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 254 सीटें मिली और उसके बाद सरकार जो है वो इनकी बनती है। समझिए कि 13 अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 लोगों के साथ 13 लोगों कहने सॉरी आई एम रियली सॉरी 13 पार्टनर्स के साथ पार्टीज के साथ ये सरकार बनाई थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी कर सकते थे। बीजेपी ने सारी की सारी पार्टी को अब देखिए अभी तक क्या था 1989 से लेकर 1991 तक 1996 से लेकर 1998 तक अनस्टेबिलिटी थी, मतलब सरकारें गिर जा रही थी क्योंकि मल्टीपल पार्टीज थी ना। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का कैरिज्मा कुछ ऐसा था कि वो सबकी सुनते थे और 13 पार्टियों को वो साथ में लेके चले, किसी ने कुछ भी नहीं किया। 1998 से लेकर 2004 तक 6 साल तक यहां पे सरकार चली। सर सेशन तो 5 साल का होता है, मतलब टेनोर तो 5 साल का होता है सरकार का, 6 साल तक कैसे चल गई? तो चलिए हम आपको ये भी बताते हैं। तो इसमें 1998 में यही जब इलेक्शंस हुए भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट ये जीत के आई। अटल बिहारी वाजपेयी की इमेज इतनी शानदार थी कि क्या बताएं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को ये पता था कि हमको जो हमारे साथ सरकार है उनकी बात माननी पड़ेगी। तो 370 हटाने की बहुत समय से डिमांड चल रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि अभी हम इसको नहीं करेंगे। राम मंदिर बनाना, तो अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि भाई सरकार चलाना जरूरी है, अभी राम मंदिर की डिमांड को हम पीछे छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज हुई। इसी दौरान 1998 में भाई हमने पोखरण टेस्ट किया, भारत एक न्यूक्लियर पावर हो गया फाइनली। उसी कुछ हफ्ते बाद फिर पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया, अमेरिका ने बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा दिए थे भारत के ऊपर, फिर भारत ने भी पॉलिसी बनाई थी, बाद में बहुत सारे सैंक्शन जो है वो हटा दिए गए थे। फरवरी 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन, अटल बिहारी वाजपेयी तीसरे प्रधानमंत्री बने जो कि पाकिस्तान विजिट किए, बस से ले गए थे ना, बस पूरी बस भर के सबको ले गए थे जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा देवानंद सब बड़े बड़े लोग थे। लेकिन 13 महीने बाद 1 साल बाद ही हम देखते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स कर गई। ये चीज है क्यों 17 अप्रैल 1999 को एनडीए गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई, क्योंकि यहां पे अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम AIADMK इन्होंने अपना सपोर्ट जो है वो खींच लिया। 18 सीटें 254 एनडीए और AIADMK सपोर्ट कर रही थी ना, तो इन्होंने अपना सपोर्ट जो है वो खींच लिया। बहुत ही फेमस चाय पार्टी यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी जो आज के बहुत बड़े लीडर है, बहुत बड़े, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक चाय पार्टी बुलाई, उसमें सोनिया गांधी भी शामिल थी, जयललिता जो कि AIADMK की लीडर थी। अब ये सरकार गिरी क्यों? सरकार इसलिए गिरी कि तमिलनाडु में उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे एम करुणानिधि, जो कि डीएमके के थे, 10 बार डीएमके के मतलब प्रेसिडेंट अध्यक्ष रह चुके थे। तो 1996 से लेकर 2001 तक ये रहे। अब उस समय ये था ना कि जयललिता के ऊपर एक के बाद एक केसेस खोले जा रहे थे, तो कांग्रेस ने ये वादा किया कि आप परेशान मत हो, अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बदले में आपको करना ये करेगा कि आप जो है वो सपोर्ट खींच लो। तो यहाँ पे बीजेपी से इन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। और जब बीजेपी में सपोर्ट विड्रॉ किया, दोस्तों बहुत ही फेमस कहानी है, आपको पता है बीजेपी जब अविश्वास प्रस्ताव आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, 1 वोट से बीजेपी हारी, 272 के फेवर में 273 वोट पड़े थे, 1 वोट से बीजेपी हार गई। इसी दौरान कारगिल वॉर भी 1999 में, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है पीएम वाजपेयी के उसमें बनी जब तक चुनाव नहीं हुए, और इसी दौरान कारगिल वॉर हो गया। मई से लेकर जुलाई तक 26 जुलाई तक 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक विजय दिवस मनाया जाता ना 1999, मैंने पूरा कारगिल वॉर पे एक बहुत ही शानदार लेक्चर बनाया है। तो ये जब हुआ कारगिल वॉर, तो भाई इधर तो अटल बिहारी वाजपेयी इतनी बढ़िया बढ़िया नीतियां बना रहे थे पाकिस्तान को लेकर, लेकिन अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने धोखा दिया। नवाज शरीफ को पता ही नहीं था कि परवेज मुशर्रफ ने जाके कारगिल वॉर पे जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं, देखिए होता क्या था ना कि जब सर्दियां आती थी तो सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती थी, बहुत ज्यादा,
ठीक है, पहाड़ों पे, हिमालय पे, तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि आप भी अपनी सेना हटा लो, हम भी अपनी सेना हटा लो। लेकिन कारगिल की बड़ी बड़ी चोटियों पे पाकिस्तानी सेना कब्जा करके बैठ गई फरवरी आते आते, फरवरी 1999 आते आते। और उसके बाद फिर जब सौरभ काली और उनकी टीम मई 1999 में गश्त करने उस एरिया में गई तो उनको मार के फेंक दिया, वहां पे उनकी टुकड़ी को मार दिया, सौरभ काली को पकड़ा, क्योंकि एक चरवाहे ने बोला था कि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं वो यूनिफॉर्म में है, तो शायद तब भारत को ये एहसास हुआ कि हो सकता है कि ये पाकिस्तानी हो या आतंकी हो, तो चलो हम ऐसे देखने चलते हैं। सौरभ काली को पाकिस्तान ने पकड़ लिया, उनको बहुत भयानक टॉर्चर किया गया, उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनके नाखून उखाड़ दिए गए, बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया था। और जब वो शिप विक्षिप्त करके जब बॉडी भेजी गई भारत में तो सबका खून उबल गया। और उस समय अभी विक्रम बत्रा पे, कैप्टन विक्रम बत्रा पे मूवी आई थी, सौरभ कालिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, भाई क्या शानदार शौर्य दिखाया और कारगिल हमने वापस लिया। ठीक है, तो ये चीज अब इस पर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से लेक्चर्स बनाए हैं। अब इसी दौरान सोनिया गांधी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। अब उस समय सोनिया गांधी की 1998 में सोनिया गांधी की भी एंट्री होती है पॉलिटिक्स में। अब जब सोनिया गांधी पॉलिटिक्स में आई, भाई देखिए हैट्स ऑफ, सोनिया गांधी का करियर बहुत बढ़िया रहा। आप समझिए कि इनको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता था, ये तो राजीव गांधी की वाइफ थी ना, इटली से थी, लेकिन भाई धीमे धीमे इन्होंने पूरी की पूरी पॉलिटिक्स समझी और सरकारें बदलनी शुरू कर दी, तो गजब का इनका करियर बहुत ही तेज दिमाग रहा है। सोनिया गांधी की एंट्री तब हुई जब कांग्रेस में बहुत उथल पुथल चल रही थी, न खाता ना बही, जो केसरी कहे वही सही। सीताराम केसरी जो थे वो अध्यक्ष थे उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और सीताराम केसरी भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन वही चीज है ना कि बड़ी दिक्कत हुई, काफी विद्रोह हुआ सीताराम केसरी को लेकर। सीताराम केसरी भी बिल्कुल मन बना चुके थे कि किसी को कांग्रेस में आने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। बहुत लोगों ने पार्टी छोड़ दी, कुछ लोग सीताराम केसरी का सपोर्ट कर रहे थे, छोड़ दी तो छोड़ दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सोनिया गांधी 14 मार्च 1998 को अध्यक्ष बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की और एक्टिव हो गई पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा, ये हिसाब किताब रहा। फिर 1999 में इसी दौरान जनरल इलेक्शंस हुए। अब इस समय एनडीए ने 269 सीटें जीती, यानी कि इस बार बीजेपी ने प्लस एनडीए और उसके बाद टीडीपी ने भी 29 मतलब सपोर्ट दिया था 29 राज्यों का, तो फाइनली बीजेपी की सरकार आती फाइनली। और 2004 तक पूरे 5 साल तक ये सरकार चली। इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 114 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 180 और एनडीए को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि बीजेपी का ग्रुप है ना, तो उसको 269 सीटें मिली। और इधर सपोर्ट जो था वो हमें देखते हैं कि पूरा का पूरा टीडीपी का रहा। तो यहां पे सरकार जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भाई बहुत जबरदस्त काम किया। और उसके बाद दोस्तों गोधरा में दंगे हुए, आपको पता है गुजरात में 2002 के गुजरात के दंगे मतलब एक काला दाग है वो भारत के इतिहास पे। जब भी इस तरीके के दंगे होते ना, क्योंकि हम एक सेक्युलर नेशन है दोस्तों, हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन ये एक धब्बा है ये तरीके। फिर 2002 में इस यहाँ पे गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया, भुज में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब इसी दौरान कारगिल वॉर हो गया, लेकिन परवेज मुशर्रफ उस समय राष्ट्रपति हो गए पाकिस्तान, पाकिस्तान से बहुत रिश्ते सुधारने की यहाँ पे जद्दोजहद करने लगे अटल बिहारी वाजपेयी ने, अभी शुरू कर दिया। और कश्मीर के मुद्दे पे भी अटल बिहारी वाजपेयी काफी ज्यादा नरम पड़ गए। सर्व शिक्षा अभियान जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय जारी होता है। पीस समिट यहाँ पे हुई, आगरा समिट जिसको बोला जाता है, परवेज मुशर्रफ है, ठीक है, और परवेज मुशर्रफ काफी बार आए थे भारत में, ठीक है। तो ये चीज है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये दो स्टेट्स, ये तीन स्टेट्स जो है वो हम देखते हैं कि क्रिएट किए गए। इसी दौरान काफी टेरर अटैक्स भी हुए, 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ठीक है, मल्टीपल टेरर अटैक्स जो है वो हम देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान। गुजरात दंगे जब हुए 2002 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा था, और अटल बिहारी वाजपेयी ने ओपनली बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बगल में नरेंद्र मोदी बोलते थे कि राजधर्म का पालन करे, तो नरेंद्र मोदी बोले कि वही कर रहे साहब। तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी का ये भी कहना था, तो इतना कुछ होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे भाई, कश्मीर में सीज फायर, उसके बाद अमेरिका ने भारत पे काफी सैंक्शंस हटा दिए, दुनिया से जुड़ना, एक फील गुड इंडिया शाइनिंग का जो नारा लगा वो सब बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद 2004 में बीजेपी इलेक्शन हार गई,
अब उसका रीजन यही दिया जाता है, बीजेपी इसीलिए हारी। अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं कि जो गोधरा में, जो गुजरात में दंगे हुए थे, उसकी वजह से हम ये इलेक्शन हार गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अगर बात करते हैं 11, फिर इसी दौरान 9/11 अटैक हुए अमेरिका पे, और यही है कि अमेरिका ने उस समय बोला था कि या तो आप हमारे साथ हो या आप हमारे खिलाफ, वॉर ऑन टेरर जो है वो छेड़ा गया। इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि काफी चीजें ठीक भी हुई। हाईवेज प्रोजेक्ट बहुत बहुत सारे जो है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, एक के बाद एक हाईवे प्रोजेक्ट, और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी बना, बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो एक के बाद एक लॉन्च किए गए। ठीक है, तो ये चीज थी। उसके बाद फिर इलेक्शन होते 2004 में। इतना कुछ होने के बावजूद यहां पे हार गई बीजेपी। बीजेपी को 138 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 145 सीटें मिली थी, और कांग्रेस को उस समय लेफ्ट को 60 से ज्यादा सीटें मिली थी। तो यहां पे लेफ्ट के सपोर्ट से कांग्रेस की सरकार आई। अब दोस्तों, इसके बाद हम आखिरी लेक्चर की बात करेंगे। ये आखिरी लेक्चर जो है वो 2004 से लेकर 2021 तक हम पूरा देखेंगे। देखिए, इससे इतने सवाल आते नहीं है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको करना पड़ेगा। इसको मैंने एनसीईआरटी में भी पढ़ाया है। कुछ अरे पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्नि होती साइन हो।